देशव्यापी आंदोलन ये एक्ट के लिए है, एक्ट को वापस कराने के लिए। जब देश में कोई जनता नहीं रहेगी तो बताइए ये देश टूट जाएगा। तो हम कोशिश ये है कि देखिए हमारा जो आंदोलन है वो एक्ट के लिए है। हमारा आंदोलन वो नहीं था कि सिर्फ 26 लोगों को छुड़ाना है, हमारा देशव्यापी आंदोलन बल। लेकिन एक चीज़ जो हो रहा है कि हमें कोशिश ये करना है कि आम जनता के लिए हमारी परेशानियाँ ना हो, बस इसलिए हम जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि आम जनता के लिए कोई परेशानी ना हो बस। मुद्दा कोई भी नहीं है, जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है गुंडों के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, कि कोई भी कानून कहीं पे भी बना दिया उसके खिलाफ जो है वो ये पूरा का पूरा प्रदर्शन चल रहा है, और खाली अलीगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन मसला जो है वो ये है कि यहाँ पे अभी शहर मुफ्ती साहब ने आके और अपील करी है कि सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, इसलिए हम लोग जिम्मेदार लोग होने के नाते अपने अपने घर जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी अगली कॉल तक के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगली मीटिंग के लिए हम लोग खुद कॉल करेंगे, तब आप सब लोग इकट्ठे होंगे। प्रोटेस्ट ये लगातार जारी रहेगा, किस तरीके से प्रोटेस्ट? देखिए जब तक एनआरसी और कैब वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए हम लोगों के दिल में और जज्बे में तो जज्बे जिंदा रहेंगे, सड़कों पे हम अब शहर मुफ्ती साहब के कहने पे और दिल्ली की तैयारी चल रही है। जो यूनिवर्सिटी के छात्र जो अरेस्ट हुए थे उनको छोड़ने की मांग थी वो तो छोड़ दिए गए। उसके बाद किस गुनाह में बंद हुए थे वो लड़के, समझ रहे हैं आप? इसको छोड़िए कि कौन कहाँ बंद हुआ था, अभी तो जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने बंद हो जाएंगे। ये जो बिल आया है सरकार इससे संबंधित इन्होंने ज्ञापन दिया है, और यह जमानत में कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और ज्ञापन हमने ले लिया है। जो इनके धार्मिक गुरु है उन्होंने भी पूरा शासन दिया है, उन्होंने भी उनसे बात किया है और उन्होंने भी अपील की है। जो यहाँ के लोकल के लीडरान है, सभासद है, कुछ धार्मिक नेता है, उनसे जब बात की है तो उन्होंने समझा दिया है और ज्ञापन देने के बाद शांत हो गए ना सर मुफ्ती जी के कहने से? नहीं, शहर मुक्ति के कहने पर ज्ञापन देकर के अभी लोग डिस्पर्स हो गए हैं, तो बात हो गई है। बाकी जितने इनके और धार्मिक लोग हैं उनको मैंने बैठक बुलाई है शाम को।